सर्वं विष्णुमयं जगत् ओम अद्य पूर्वोच्चरित एवं ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्य विधौ। सभी लोग दो हाथ जोड़ के बोलिए आपका गोत्र, जिसको गोत्र नहीं पता वो कश्यप गोत्र बोलिए, आपका नाम बोलिए और आपके फैमिली मेंबर्स का नाम। ओम भिन्न भिन्न गोत्रोत्पन्नस्य भिन्न भिन्न नामनाः यजमानस्य समस्त परिवार जनानां यजमानो अहम्। सभी लोग बोलिए मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराण उत्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष फल चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि अर्थम होलिका महापर्व निमित्तम भगवती भक्ति प्राप्ति अर्थम मम सकल परिवार जनानां भक्ति अभिवृद्धि अर्थम अस्मिन् दीने अग्नि पूजन पूर्वकम् यथाशक्ति होलिका दहन आख्यम कर्म अहम् करिष्ये। अब यहां होलिका दहन की पूजा में अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। आपको आपने देखा होगा कि इंडिया में होली के दिन हर एक जगह पे अलग अलग सोसाइटी में अग्नि प्रज्वलित किया जाता था। हमें क्वेश्चन ये होता था कि हर एक जगह पे लोग होली में ये होली जगह जला के यानी फायर को जला के उसकी पूजा क्यों करते हैं। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, आपके बच्चों को भी ये चीज सुनाना। कारण ये है होली का पर्व आके चला जाएगा, होली सेलिब्रेट करेंगे मगर बच्चों के अंदर संस्कार हमें डालना है। तो ये होली का पर्व कब से मनाया जाता है, तो श्रीमद् भागवत जी के अंदर इसकी कथा आती है। भगवान का नृसिंह अवतार हुआ उस संदर्भ में ये कथा आती है और तब से होली का पर्व हम मनाते हैं। जब हिरण्यकश्यप नाम का जो राक्षस था उसका पुत्र था भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद ने भगवान नारायण का नाम स्मरण नाम जप करने का एक नियम बना लिया। छोटा था तब से वो भगवान का नाम स्मरण करता था। हिरण्यकश्यप भगवान का परम विरोधी था क्योंकि वो राक्षस था। उसने अपने टाउनशिप में अपने नगर में एक ऐसा फरमान जारी किया कि आज के बाद मेरे नगर में केवल मेरा ही नाम लेना पड़ेगा और किसी का नाम, कोई भी भगवान का नाम और खास करके नारायण का नाम कोई भी नहीं लेगा। मगर जिसके हृदय में भगवान बैठे हैं, जिसके हृदय में भक्ति है, उसके मुंह से भगवान का नाम कभी भी छूट नहीं सकता। भक्त प्रहलाद ने बचपन से ही अपने पिता का इतना अत्याचार सहन किया, पिता ने उसको हाथी के पैरों तले कुचलने का प्रयत्न किया, माउंटेन के ऊपर से गिराने का प्रयत्न किया, ये सारी चीजों में भगवान ने उसका बचाव किया। तो हिरण्यकश्यप नाम का जो राक्षस था उसकी बहन का नाम था होलिका। होलिका को ऐसा वरदान था कि वो अग्नि के अंदर वो जल के भस्म नहीं होगी, अग्नि उसको स्पर्श नहीं कर सकता था। इसलिए हिरण्यकश्यप ने निर्णय लिया कि होलिका को अग्नि के अंदर बिठा के उसके साथ प्रहलाद को भी मैं अग्नि में समर्पित कर दूंगा तो प्रहलाद अग्नि के अंदर जल के भस्म हो जाएगा। मगर जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो, जिसके मुंह में भगवान का नाम स्मरण हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये भक्ति का दृष्टांत है, एग्जाम्पल है। अग्नि को जलाया उस समय, यानी निर्णय लिया कि आज शाम को अग्नि को जला के उसके अंदर होली का
भक्त प्रहलाद को छोटी उम्र का था उसको लेके अग्नि के अंदर बैठेगी। पूरे नगर वासियों को चिंता सताने लगी। हरेक लोगों ने अपने अपने सेरियों के अंदर यानी सोसाइटी के अंदर इकट्ठा होकर लकड़ियां लाए और अग्नि जलाया और अग्नि नारायण को प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे अग्नि देवता, हमारे भक्त प्रहलाद का शरीर बहुत कोमल है, वो 8 साल का बालक है। उस समय भक्त प्रहलाद की उम्र कितनी थी? 8 years, 8 साल का। भूष्टान्दे नाम उक्तिं विधेमा ओम सप्तहस्त चतुश्रृंग सप्त जिह्वो द्विशीर्षकः त्रिपाद प्रसन्नवदना सुखासीन शुचिस्मितः स्वाहान्तु दक्षिणे पार्श्वे देवीं वामे स्वधाम तथा विभ्र दक्षिणहस्तैस्तु शक्तिमन्नं श्रुवं श्रुजं तोमरं व्यजनं वामे घृतपात्रं च धारयन् आत्माभिमुखमासीन एवं रूपो हुतासन अग्रये सांडिल्य गोत्र सांडिल्यासीद देवलेति त्रिप्रवर भूमिर्मातः वरुण पितः मेषध्वज सन्मुखो वरदो भव ओम अग्निन्दो दम पुरो दधे अव्यवाह मुवब्रुवे देवाँ आसादयादिहा हरि ओम। सभी लोग भगवान का मेरे साथ जय घोष करना, आप प्रणाम करके रखना। ओम अग्निम पुर अजगन अग्निम प्रज्वलितं वंदे जातवेदं हुतासनं सुवर्ण वर्णममलं समृद्धं विश्वतो मुखं ओम चतवारि शृंगात्रयो अस्य पादा द्वे शिरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो रेखावोरो रवि तिवाहो देवो मर्त्याव आविवेश ओम ग्रेतं ग्रेता पावानः पिबतब्बसाम्बसा पावानः पिबतांतरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा ओम अग्निं प्रज्वलितं वंदे जातवेदं हुतासनं सुवर्ण वर्णममलं समृद्धं विश्वतो मुखं। सभी लोग बोलिए भो अग्नये त्वं स्वागतो भव अग्नये नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। यहां रख दीजिए। ओम अग्नये नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम अग्नये नमः गंधं समर्पयामि कुमकुमं समर्पयामि हरिद्रां समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि। ओम अग्नये नय सुपधाराय अश्वान विश्वान हिद भवयुनान विद्वान्ना जस्मज्जोहुराणमेनो भूइष्टान्ते नमः उक्तिं विधेम। अग्नये नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम जाह फालिनीर जाह अफला आपुगवा जास्च वगुपेणेः बृहद्वते प्रसूतास्तानु मुञ्चन् त्वद्गुहसः। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। सब लोग 5 बार अग्नि नारायण को ऐसे भोग लगाओ। ओम प्राणाय स्वाहा आप प्रणाम करके रखना। ओम अपानाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ब्रह्मणे परमात्मने नमो नमः। ओम अन्नपतेन्नस्य नोदह्यनमीवस्य सूक्ष्मिणः प्रप्रदातारन्तारिघोरुजन्नो देहि द्विपदे संजादुपादे अग्नये नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान समर्पयामि दो हाथ ऊपर करके अग्नि नारायण भगवान की अग्नि नारायण भगवान की अग्नि नारायण भगवान की। भगवान को प्रार्थना करना
अग्नि नारायण को कि प्रभु हमारे जीवन के सारी तकलीफें सारा संकट प्रभु आप दूर करना, हम सब में एकाग्रता हो, संप हो और हमारे जीवन में भक्ति के कारण हमें परम धाम की प्राप्ति हो, ऐसा प्रभु हमें आशीर्वाद देना। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा से ये अग्नि नारायण की परिक्रमा करता है उसकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। तो आप हिमांशु जी वहां से कलश ले लीजिए। सब लोग जब प्रदक्षिणा करो तो इतना याद रखना, ये हमारी रंगोली जो है वो मैंने बनाई है, वो डिजाइन बिगड़े नहीं, वो ध्यान रखना। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं, रीजन ये है कि थोड़ा लंबा राउंड होगा तो फायर के रिलेटेड हमें अपने आप प्रोटेक्शन रहेगा। सब लोग प्रणाम करके रखिए। एक हिमांशु जी पतली सी धारा करके एक राउंड, जल्दी